जब इस क्लब का संपूर्ण मेम्बर्सहरूलाई धन्यवाद कि तपाईँहरू यो प्रसारणमा पार्टिसिपेसन गर्दै हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण पहाडभरिका सम्पूर्ण ग्रामवासीहरू एवं सहरवासीहरू पनि जस अहिले आजको अवस्थामा पहाडलाई कुन परिस्थितिमा पुग्न चाहने जिज्ञासा राख्नुहुन्छ सर्वप्रथम मैं सम्पूर्ण सिलगढ़ी जर्नलिस्ट क्लब का मेम्बर सबको धन्यवाद देते हुए स्वागत जनाना चाहूँगा कि आज का परिस्थिति में पहाड़ में जो बदलाव है, राजनीति जिस प्रकार से बदलाव है उसके ऊपर मैं दो चार शब्द सिलगढ़ी प्रेस क्लब के माध्यम से जानना चाहूँगा कि आज का हालत में 1986 और 2007 के बाद 2017 के पीछे पहाड़ में जिस प्रकार से राजनीति का कल्चर संस्कार के ऊपर जो परिवर्तन आया उसके ऊपर में ज़्यादातर हमने अपना तर्क रखा। जो 1986 में एक प्रकार का हिंसावादी राजनीतिक कल्चर का जो शुरुआत पहाड़ में हुआ था उसके बाद उसी कल्चर को आत्मसात करते हुए 2007 में भी उसी तरह का आंदोलन किया गया, लेकिन 48 महीना 2007 के बाद फिर गोरखाल्यान्ड का आंदोलन हुआ उस वक्त भी उसी तरह जो 86 का पॉलिटिकल जो कल्चर था हिंसात्मक वही कल्चर को दोहराया गया। उसके बाद जो 2011-12 में जीटीए अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आने के बाद भी उसमें प्रशासनिक क्षमताएं जो जीटीए में दिया गया वो इज इक्वल टू सेम डीजीसी पैटर्न में रहा और जीटीए का मतलब डीजीसी के बराबर ही रहा, लेकिन उसमें ये जरूर हुआ था कि उसका नोमेनक्लेचर प्रशासन का जो नाम है उसका चेंज किया गया। जैसे कि पहले दार्जिलिंग हिल काउंसिल गोर्खा हिल काउंसिल बोला जा रहा था उसको जीटीए नाम दिया गया तथा गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया गया। उसके बाद जो भी है प्रशासनिक क्षमताएं जो दे गया था उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसमें जो मैं ग्रामीण इलाका से बिलोंग करता हूँ ये 2086 में जब 28 महीना का आंदोलन हुआ और जो 28 महीना आंदोलन होने के बाद जो 88 में डीजीसी का अकाउंट हुआ उसमें पार्टिकुलरली ग्राम पंचायत को सिस्टम को जो तहस नहस किया गया था और उस वक्त जहाँ तक ये मानना भी है ग्राम पंचायत का जो एक वजन था जैसे कि 90 के बाद जो वजन को बढ़ाया गया पंचायत सिस्टम में एक तंदुरुस्त कानून बनाया गया उस हिसाब से नहीं था, तथापि उस वक्त भी रिटायर पंचायत का सिस्टम लागू हुआ था पहाड़ में भी होता था। जब 88 में एकॉर्ड हुआ पहाड़ में तब से पंचायत सिस्टम का डिमोलिश जैसा कुछ हुआ। उसके बाद में जब पंचायत सिस्टम 92 के आसपास में एक नया संविधान को संशोधन करके एक कंक्रीट व्यवस्थापन किया गया भारत भर का संपूर्ण ग्रामीण इलाके के लिए, लेकिन 1993 में जब पी वी नरसिम्हा राव का टाइम था वहाँ जाके स्वर्गीय घिसिंग जी ने थोड़ा सा पहाड़ के लिए एक पंचायत सिस्टम के ऊपर एक संशोधन चाहा, जो संशोधन को आर्टिकल 243 एम कहा जाता है उसमें स्लाइड चेंज किया कि पहाड़ में पंचायत सिस्टम उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से भारत के दूसरे और तीसरे जिला में होता है, फिर इस तरह पंचायत सिस्टम पहाड़ में लागू नहीं होगा, दो स्तरीय पंचायत हो सकता है, एक ग्राम पंचायत दूसरा पंचायत समिति, तीसरा में जो जिला परिषद होता था उसको डीजीसी हेड करेगा और त्रिस्तरीय पंचायत का सिस्टम दो स्तरीय नीचे वाला रहेगा पंचायत समिति तक और ऊपर वाला भाग में श्री कौशिक जीटीए ही एज जिला परिषद रह जाएगा। उसका उस वक्त प्रोटेक्ट किया गया डीजीसी
अकाउंट को ठीक से रखने के लिए सेफ गार्ड करने के लिए पार्टिकुलर वो कंस्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने के बाद वो ऐसे रखा गया। उसे क्या हुआ, प्रोविजन दिया गया था कि दो टाइप का इलेक्शन हो सकता था, लेकिन घिसिंग जी ने उस वक्त नहीं चाहा और बंगाल में कम्युनिस्ट शासन था, उन लोग ने मोटिवेट भी नहीं किया कि ग्राम पंचायत वासियों को इस तरह से उच्छेद नहीं करना चाहिए कि कंसेशन को जो अधिकार ग्रामवासियों के लिए दिया गया है उसको उच्छेद नहीं करना चाहिए, बल्कि स्टेट ने पहाड़ को तथा घिसिंग जी को दबाव भी नहीं किया, इसी तरह से चलते रहा। उसके बाद में 95 में कोशिश किया गया स्टेट का ओर से और घिसिंग भी उस टाइम माना, लेकिन वन सिंगल टायर पंचायती इलेक्शन हुआ और 2000 में भी हुआ और 95 में भी हुआ था। उसके बाद बिना कारण विदाउट सिंगल नोटिफिकेशन या तो कोई गैजेट नोटिफिकेशन बिना अभी तक पहाड़ में कोई पंचायत का इलेक्शन नहीं हुआ। उस हिसाब से क्या हुआ, पंचायत में 22 वर्ष हो चुका है, जब 2000 में इलेक्शन हुआ था उस वक्त पंचायत कर्मचारियों को रिक्रूटमेंट लिया गया था, एक पंचायत कर्मी दो है पंचायत साहब, और उसी तहत उसी टाइम के तहत ये भी क्या एक नया पॉलिसी भारत भर में बना, जो जब असिस्टेंट नाम का जो एक कर्मचारी होता था उसको हटा के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंट्रोड्यूस किया गया था, और जब असिस्टेंट के बदले में निर्माण सहायक बोल के एक टेक्निकल पर्सन को भारत भर में लागू किया गया। लेकिन विडंबना का बात यह है पहाड़ में अभी तक सिंगल इंजीनियर के बिना पंचायत में MGNRGS का हो MGNRGS के अलावा कुछ पैसा मिलता भी नहीं है, जो करोड़ों करोड़ रुपये आता है बिना टेक्निकल पर्सन बिना इंजीनियर के वहाँ का संपूर्ण ग्राम पंचायत 112 ग्राम पंचायत हैं उसमें ये पैसा प्रयोग किया जा रहा है। हम लोग का ये मानना है जो 2017 के बाद जो पॉलिटिकल दया एक अवधारणा हम लोग ने जो शुरुआत किया अनिल थापा के लीडरशिप में, हम लोग ने पहाड़ को एक दिशा देने का प्रयास किया कि हम भावनात्मक रूप से नहीं एक प्रैक्टिकल वे में पहाड़ को जो एक सिद्धांत के ऊपर ले जाना होगा, जो कि एक प्रशासनिक विस्थापन जो स्थापित हुआ है पहाड़ में उसको निकाल करके कम से कम पहाड़ को एक सठीक ढंग से प्रशासन जो खोया हुआ प्रशासन को एक ठीक ट्रैक पर ले आना और सठीक करके आगे बढ़ाना, ताकि जो हो जितना भी आंदोलन हो या ना हो लेकिन जो हम लोग का था वो लेके आगे चलना होगा, जो संवैधानिक जो सिस्टम है उसको लेके आत्मसात करके पहाड़ को आगे ले जाना। उसके तहत हम लोग ने सोचा सबसे डिप्राइव बना कि पहाड़ में पंचायत सिस्टम नहीं होने के वजह से 22 वर्ष से ज़्यादा हुआ है हिल में कोई पंचायत सिस्टम के ऊपर सिंगल आदमी को रिक्रूटमेंट में नहीं लिया गया, अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, और दूसरा चीज से इंजीनियर अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, इसीलिए पहाड़ उस हिसाब से चल रहा है। हम लोग ने यह सोचा जब 88 में ये हुआ DGC हुआ, जब 2011-12 में जब GTA हुआ अस्तित्व में आया, म्यूनिसिपैलिटी तथा अर्बन एरिया का अधिकार उन लोग से छीना नहीं गया, कंटिन्यूसली वोट हुआ और उन लोग का अधिकार मिलते रहा, लेकिन पंचायत वासियों को ग्रामवासियों को क्या हुआ, उन लोग का जो अधिकार है लड़ने का एक पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन करने का अधिकार घोषा गया, और दूसरा चीज़ है पंचायत का जो जो फैसिलिटियां है अभी जितना वर्ष पंचायत का सिस्टम मतलब वहाँ भी नहीं है तभी से अभी तक 15 फाइनेंस वाला पैसा पंचायत वासियों को अभी तक नहीं मिल रहा है, और जो पंचायत के थ्रू प्रधानमंत्री आवास योजना जो आता है शायद मध्य में दूसरा नाम से चलता होगा, जो भी हो नाम जो भी हो लेकिन जो गरीब वाले जो ग्रामवासी आए उसको 1,50,000, 1,60,000 करके जो घर दिया जाता है अभी तक वो ठीक से आता भी नहीं है, उसी तरह से ओल्ड एज पेंशन और बहुत सारा जो है कि 15 फाइनेंस वाला पैसा पहाड़ में ये पंचायत को मिलता ही नहीं। इसीलिए हम लोग को लगा पंचायत अगर हम लोग रिफॉर्मेशन नहीं करने से हमारा ग्रामवासियाँ
जैसे कि तैसे रहेगा। जब मैं एमएलए बना, एमएलए बनने के बाद उस वक्त और भी दुविधा क्या था, जीटी का सिंगल मेंबर भी नहीं था। उसके चलते क्या हुआ, एक कालीबुंग इतना बड़ा एरिया ज्योग्राफिकली, मैं कालीबुंग में रहता हूँ, बाजार में वो तो देर तांग तक भूटान का बॉर्डर है, वहाँ का आदमी भी एक छोटा सा जरूरत के लिए, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को अगर सिग्नेचर का जरूरत हुआ तो वहाँ से गाड़ी भाड़ा दे के 4 घंटा यात्रा करके हमारे पास फालिंग में 2 घंटा 3 घंटा लाइन में खड़ा रह के उन लोग मेरे को बोलता था कि आपका सिग्नेचर चाहिए। वहाँ क्या लिखा हुआ था ग्राम पंचायत का, पब्लिक उप प्रधान का, पब्लिक पंचायत समिति का, पब्लिक एमएलए, पब्लिक एमपी, कोई भी सिग्नेचर कर सकता था, लेकिन कोई एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने की वजह से वहाँ से तोदे तांगता से कानपुर जहाँ मेरा घर है वहाँ 4 घंटा आना और 4 घंटा जाने का यात्रा करके हमारा सामने आता था। ये जो अधिकार था जो भारतवर्ष का कॉन्स्टिट्यूशन ने हरेक ग्रामवासी को दिया था, ये कुछ जो सेंसिटिव टाइप का जो टाइप का आंदोलन हुआ उससे ग्राम पंचायत वासियों को उच्छेद किया गया था। तो हम लोग ने चाहा, जब अनिल थापे के अंडर में हम लोग ने भी एक राजनीति में आना चाहा तो आया, और ये जिम्मेदारी समझा, ठीक है हम लोग का मांग जो है, जो आगे भी शायद ये बन नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसका शुरुआत करेगा कोई आएगा, लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में जो हम लोग का हाथ से खोया हुआ जो हम लोग का अपना अधिकार है वो क्यों ना न दे, इस असर से हम लोग ने सोचा और पंचायत के इलेक्शन के लिए स्टेट को परिश्रम किया। अभी लास्ट परसों ही इसका बिल को पास भी किया गया, इसीलिए संपूर्ण पहाड़ में जितना भी ग्रामवासी आए उन लोग को मैं बधाई देना चाहता हूँ, उन लोग का ओर से हम लोग को प्यार दिया, मोहब्बत दिया, ये अधिकार दिया, ताकि जो खोया हुआ हमारा अपना अधिकार था फिर उन लोग को अधिकृत होने का जो अवसर मिला है। निश्चय आने वाला 2023 में पंचायत के इलेक्शन जो शायद बंगाल भर में होगा उस टाइम में पहाड़ में भी 2 टाइप का इलेक्शन के लिए पहाड़ अब हो सकता है 86 के बाद पहले बार 36 वर्ष के बाद हम लोग 2 टायर का पंचायत का पार्टिसिपेशन करने जा रहे हैं, 1 टायर का 2002 तक, उस हिसाब से पंचायत के लिए 22 वर्ष के बाद और पंचायत समितियां के लिए हम लोग कम से कम 36 वर्ष के बाद पुनः एक कंक्रीट जो संविधान में दिया गया है सिस्टम उस मुताबिक पहाड़ का ग्रामवासियों के लिए एक नया हौसला लेके हम लोग आए हैं। ये इसलिए आप लोग के माध्यम से उन लोग को जानकारी देना चाहूँगा। और बहुत सारा समस्याएँ हैं, पंचायत इलेक्शन होने जा रहा है एक है, बहुत बोलता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, है नहीं हुआ, तय हुआ, बहुत सारा खामियां कमजोरियां है। जैसे कि पहाड़ में ब्लॉक बाइफर्केशन का भी मुद्दा उठ रहा है, उसी तरह से पंचायत का बाइफर्केशन का भी मुद्दा उठ रहा है, उसी तरह बहुत सारा समस्या है पहाड़ में। लेकिन जब पंचायत का सिस्टम ही नहीं था तो ब्लॉक बाइफर्केशन का, जब ग्राम पंचायत के बाइफर्केशन का मतलब ही नहीं था, और रिक्रूटमेंट का कालीबुंग में जहाँ तक मेरा मानना और जिस हिसाब से वहाँ के एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने मुझे जो जानकारी दिया, आने वाला 2026 के बाद कालीबुंग में 100% पंचायत कर्मचारियाँ रिटायर हो जाएगा। उसके बाद में पंचायत चलाने वाला अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो कर्मचारी भी नहीं रहता, इसीलिए ये आप लोग के माध्यम से जानकारी देते हुए ये कहना चाहूँगा। अब ये और ये बात को मैंने कर्शन में जब एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग हुआ था उस वक्त भी ये माजरा को मैंने उठाया था कि पंचायत में रिक्रूटमेंट लाना चाहिए, क्योंकि पंचायत में सबका सब कर्मचारी सब रिटायर होकर निकल रहा है, और एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 4 ग्राम पंचायत को, एक एग्जीक्यूटिव माफ कीजिएगा सचिव 4 ग्राम पंचायत को देख रहा है, उसी वक्त बोला था जब तक पंचायत का चुनाव लागू नहीं होगा ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस लाना मुश्किल है, ऐसा सुश्री सीएम ममता बनर्जी का कहना था। और इसी हिसाब से एक द्वार हमने खोला, हम लोग ने खोला ताकि हम आगे बढ़ सके, ग्रामवासियों को भी एक अधिकार दे सके, उसी हिसाब से हमने अगर जा। और बहुत सारा ऐसा कंट्रोवर्सी भी बना हुआ है, मैंने कालीबुंग में एक पत्रकार ने जो एनालाइज रिपोर्ट में दे रहा था कि पहले ऐसा था, पहले 2005 तक था, अब 22 साल हो गया है, 22 साल में बहुत सारे क्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ा, उसी हिसाब से मतदाता बढ़ा,
इसीलिए एक क्राइटेरिया भी जो पहले था कि 250 से लेकर 500 तक एक मेंबर बन सकता है, 500 से अगर ज़्यादा निकलेगा तो उस हिसाब से उसका दूसरा मेंबर मिल सकता है। लेकिन आज के जो रिवाइज्ड पंचायत इलेक्शन एक्ट को जो अमेंड किया गया है स्टेट में, उसमें क्या किया गया है, 250 मिनिमम रहेगा और मैक्सिमम 700, उस हिसाब से 700 से ज़्यादा होगा उस हिसाब से वहाँ मेंबर बढ़ सकता है। ऐसा भी जो लिस्ट मेरे पास आ चुका है, जो DM लेवल में, जो ब्लॉक लेवल से तय किया गया है कि कितना मेंबर, कितना ग्राम, कौन कौन ग्राम पंचायत को कितना मेंबर होगा, वो अभी लिस्ट जारी भी हो चुका है। उस हिसाब से मैं 22 वर्ष पहले, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको ठीक से ध्यान दीजिएगा, जो 22 वर्ष पहले मैं पंचायत में एक मेंबर वोट मेंबर का वोट जीता था, मेंबर भी था उस वक्त। लोले ग्राम पंचायत में सिर्फ आठ सदस्य थे हम लोग, अभी का हालत में वहाँ 15 सदस्य हो चुका है। उसी हिसाब से 7 के आसपास तक का फिर ग्राम पंचायत, उसको अभी 9 हो चुका है। जो 5 था सुबीर खानी, वो 7-8 हो चुका है। मतलब मेरा जो सराउंडिंग वाला ग्राम पंचायत जो अनुभव मेरे पास था, उस हिसाब से मैं कंपेरिटिवली आप लोग के बता रहा हूँ कि हर एक एरिया में पंचायत का सदस्य बढ़ेगा। लेकिन कंफ्यूजन ये है, कोई कालेबुंग का लोग और पहाड़ के लोग, अरे 700 वहाँ, 700 नहीं, 700 मैक्सिमम फिगर है, 250 मिनिमम है, 250 से लेकर 700 तक एक मेंबर हो सकता है और वो पहाड़ में। लेकिन ये है, पहाड़ में जो भी है कंफ्यूजन बहुत सारा है, पंचायत के जो वोट दिया जाता है, लेकिन उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो 700 होगा, 700 से ज़्यादा होने से उस संसद में और भी हो सकता है। जो 250 था पहले, 500 था, इसीलिए कि इलेक्शन कमीशन को भी मद्देनजर रखते हुए ये स्टेट में ये बार ये बिल को लाया गया था, उस हिसाब से इसको अमेंड किया गया है। और दार्जिलिंग और कालेबुंग दोनों के और सिर्फ 2 स्तरीय पंचायत होगा। और ये भी बहुत सारा है कि किसी को ये भी मानना है, और मैं खुद जब मैं पंचायत का डिमांड कर रहा था उस वक्त कालेबुंग लेके सेपरेट फ्रॉम GTA, ये एक कंट्रोवर्शियल मेरा स्टेटमेंट था, इसीलिए कि उस वक्त का सिचुएशन वाइज ठीक ही था। जैसे कि मैंने बोला था कालेबुंग GTA से सेपरेट रह के अलग से क्या होना चाहिए, स्वाधीन एक जिला परिषद बनना चाहिए, क्योंकि 2017 के बाद कालेबुंग दार्जिलिंग अपने डिस्ट्रिक्ट से अलग करके कालेबुंग सब डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था। उसी हिसाब से कालेबुंग में एक अलग छुट्टर GTA व्यवस्था से अलग निकाल करके इसको कालेबुंग को एक जिला परिषद बना देना चाहिए। लेकिन उस वक्त बहुत सारा कंट्रोवर्सिया उत्पन्न हुआ, अरे हम लोग भी इतना आंदोलन करके ये लाया, DGC स्थापित किया, उसके बाद GTA हुआ, तो हम लोग GTA से अलग क्यों, GTA के भीतर ही त्रिस्तर पंचायत एज पर GTA 2011-12 में परमिशन दिया गया, प्रावधान रखा गया है, उसको क्यों ना लागू ना करें। लागू करने से त्रिस्तर पंचायत हो सकता है, ये बहुत सारा का ये भी जनरली मानना था। लेकिन हम बहुत सारा कंस्टिट्यूशन एक्सपर्ट को, डिप्लोमेट्स को, बहुत सारा IAS जो सीनियर लोग हैं उन लोग से मिला, क्योंकि जहाँ तक 243M को संशोधन नहीं किया जाएगा तब तक दो स्तर से आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए जब ये बिल रखा गया था आदरणीय मंत्री के थ्रू, हम लोग ने ये भी बोला कि आप लोग ने GTA का प्रावधान के भीतर, जो GTA के भीतर ही त्रिस्तर पंचायत हो सकता है, सुपरविजन GTA करेगा वो के लिखा एक्ट में अभी तक सिफारिश करके सेंट्रल में क्यों नहीं भेजा, ताकि इसको आगे ले जा सके। हम लोग ने अंडर प्रोटेस्ट ये भी रिक्वेस्ट किया कि भविष्य में आप लोग इसको बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, ताकि हो सकता है कि भविष्य में GTA प्रशासन के भीतर ही एक जिला परिषद जैसे एक शक्तिशाली संवैधानिक व्यवस्था भुग सके। उस हिसाब से हमने अपने प्रपोजल भी रखा, हो सकता है भविष्य में ये हो सकता है। आज का हालत में अगर GTA से हम अलग निकल करके कालेबुंग को स्वाधीन जिला परिषद बनाने से एक दो दुविधाएं निकलेगा, वो है जो फैसिलिटियाँ GTA
के भीतर में डाला हुआ है, जैसे कि स्कूल सर्विस रीजनल स्कूल सर्विस कमीशन, जैसे कि जो ग्रुप डी और सी को अपॉइंटमेंट करने के लिए छुट्टा एक रिक्रूटमेंट बोर्ड बना सकता है, और इतना सारा जो है अगर वो प्रोविजन जीटी के ऊपर में स्टेट से एक बिल पास करके दिया जाने से अलग जीटीए से निकल करके ये फैसिलिटी हम लोग के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए देखिए जीटीए के भीतर ही रह के अगर ये फैसिलिटी के भीतर हम लोग अंतर्भुक्त होना चाहेगा तो ये रखना जरूरत है। इसीलिए मैं सबको ये क्लियरली बोलना चाह रहा हूँ, आज का हालत में जब तक जीटीए अर्थात डीजीसी 1993 में अमेंडमेंट हुआ जो आर्टिकल 243 जब तक सेंट्रल में ये सब चेंज नहीं होगा तब तक इस हालत में जीटीए के भीतर सिर्फ दो पंचायत स्तरीय संभव होगा, और इसी को हम स्वागत करते हैं और बहुत सारा भारवासियों को बधाई देते हैं कि पहले बार जो 36 वर्ष आगे हम लोग ने जो पंचायत समिति खोया था वो मिल गया है। और दूसरा चीज़ है 2000 में जो पंचायत सिस्टम को वन टाइप सिस्टम खोया था वो हम लोग को मिल चुका है, और इसीलिए हम लोग संपूर्ण आप लोग के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों को बधाई देना चाहेंगे। और आप लोग का कोई क्वेश्चन होने से आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कालीबंग का 42 लाख जीपी है, चार ब्लॉक 42। और वो डिलिमिटेशन के बाद कितना हो सकता है? ये डिलिमिटेशन और बाइफर्केशन इज डिफरेंट, ठीक है। जहाँ तक जिस हिसाब से मापदंड दिया गया है मिनिमम 5 और मैक्सिमम 30, उस हिसाब से कालीबंग में जितना भी पंचायत है विद इन 30 नंबर है, ठीक है। कोई 15 मेंबर का एक पंचायत है, कोई 9 मेंबर का भी एक पंचायत है, और जहाँ तक एक ब्लॉक 3 में 30 मेंबर बराबर का एक पंचायत है, और ब्लॉक 2 तथा नया ब्लॉक जो बोला जाता है लाभा ब्लॉक में एक सांसे बोल के ग्राम पंचायत है, मैंने लिस्ट देखा उसमें भी सिर्फ 30 ही है। जब तक 30 से ज़्यादा नहीं होगा उस हिसाब से शायद अभी का हालत में क्लेम कर पाना मुश्किल है। अभी जो हुआ है सिर्फ डिलिमिटेशन ही हुआ है, हम लोग का ये जोड़ भी रहा है कालीबंग के पंचायती ने सबसे पहले कालीबंग में सब डिवीजन को बाइफर्केशन करना ज़्यादा प्रमुखता रखता है, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट जितना जुरिडिक्शन में डीएम अपना पावर यूज करता है उसके भीतर में एक एसडीओ भी है, तो एसडीओ का एडमिनिस्ट्रेटिव जितना एरिया के भीतर में आता है उतना ही एरिया के भीतर में डीएम का भी पावर आता है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कालीबंग में सबसे पहले सब डिवीजन, उसके बाद में ब्लॉक का बाइफर्केशन हो, उसके बाद में पंचायत जो क्राइटेरिया वाइज आएगा भविष्य में हम इसको परिसन करेंगे ऊपर वाला लोगों से। तो ये कुछ है कालीबंग में सब डिवीजन जहाँ तक है, ब्लॉक 3 तो अलग हो गई होगा और ब्लॉक 2 बोलता था, अभी वो ब्लॉक में दो ब्लॉक हो चुका है, एक पेदोंग ब्लॉक जो नया बना 2017 के बाद, जो अलगड़ा है पुराना था अलगड़ा ब्लॉक बोलता था, अभी उसको नया नाम दिया गया लारो ब्लॉक, वो दो और कालीबंग करके कम से कम 3 बनना चाहिए सब डिवीजन, नहीं होने से भी कम से कम 2 ब्लॉक का रिक्वायरमेंट इमीडिएट है। सब डिवीजन और दूसरा चीज़ है ब्लॉक और 4 हो चुका है और 2 हो सकता है संभावना के मुताबिक, क्योंकि ब्लॉक को जब बाइफर्केशन किया गया था 17 के बाद कालीबंग में 13 ग्राम पंचायत वाला ब्लॉक जो है ब्लॉक 2 उसमें विभाजित किया गया था, बाइफर्केशन हुआ है, लेकिन 18 ग्राम पंचायत होने वाला जो ब्लॉक 1 है 18 का ग्राम पंचायत में अभी तक ब्लॉक बाइफर्केशन हुआ ही नहीं। उस हिसाब से लॉजिकली देखा जाए तो हमें लगता है पहले वो होना चाहिए ब्लॉक 1 का भी बाइफर्केशन हो और ब्लॉक 3 का भी बाइफर्केशन हो, इसलिए ब्लॉक ये सब होने से 6 ब्लॉक हो सकता है संभवतः। नया सबमिशन देने के पहले तो एक बात है, कालीबंग एक सबमिशन था उसको डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर किया गया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या सही में हुआ? नहीं नहीं हो रहा है बहुत सारा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट का अभी डीएम ऑफिस बन चुका है, डीएम ऑफिस का नया बिल्डिंग भी बनने जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, दूसरा है अलग से एसपी ऑफिस भी बन चुका है,
और बहुत सारे एग्रीकल्चर का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर जितना भी है बन चुका है, PW का भी बन चुका है। उसी तरह से जो जो सेंट्रल से फंड आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग यूनिट डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है हो चुका है। अब एक दो डिपार्टमेंट है जो GTA का ट्रांसफर सब्जेक्ट है उसको बनाना ज़रूरत है। अभी अभी GTA में जो है GTA फॉर्मेशन हुआ, मतलब अभी भी इलेक्शन हुआ, अब बहुत सारे जैसे कि DRDC अभी दार्जिलिंग ही कालिम्पोंग एज सब रीजन देख रहा है, DRDC डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है वो कालिम्पोंग के लिए सेपरेशन होना ज़रूरत है। उसके अलावा कालिम्पोंग के मोरललेस कालिम्पोंग में फुल फ्लेजेड डिस्ट्रिक्ट हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज अभी बनना ज़रूरत है। तो ग्राम पंचायत का संख्या है बहुत सारा बढ़ सकता है। मैंने अभी भी हमारा मतलब प्रेस में पूरा आप लोगों को बता दिया कि जैसे कि एक अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जब मैं 2000 में सदस्य था, ग्राम पंचायत का सदस्य था, उस वक्त लोले ग्राम पंचायत का उस वक्त का मेंबरशिप 8 थे। अभी के हालत में जो स्टेटस निकला हुआ है उसमें 15 है, और हर एक जज सांसद ग्राम पंचायत उस वक्त 28 था, अभी 30 है। ठीक है, उस हिसाब से टोपोग्राफी को देखते हुए, भौगोलिक क्षेत्र को देखते हुए बहुत सारा एरिया बड़ा है और बहुत सारा मेंबर जो है कालिम्पोंग में बहुत सारा मेंबर भी बड़ा है। ऐसा नहीं कि घटा हुआ है, नहीं ऐसा घटा हुआ नहीं, वो कोई कोई ठीक से नीचे तक जाके एडमिनिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या चल रहा है वो ना देखते हुए सिर्फ अर्ध ज्ञान लेके सब बोल रहा है, ऐसा नहीं है। अभी कालिम्पोंग DM के पास आ चुका है कि एक पंचायत में कितना सदस्य बढ़ चुका है, वो पूरा पूरा लिस्ट DM के पास है, वहाँ जा के देख सकता है। तो लोले में 2000 की तुलना में 7 मेंबर बढ़ चुका है। उसी हिसाब से कफेर में हो सकता था 7 था, कफेर ग्राम पंचायत जो ब्लॉक 1 में आता है वो अभी 9 हो चुका है। उसी तरह से 5 था जो सुबीरखानी ग्राम पंचायत है वो कम से कम 7 हो चुका है। उस हिसाब से सारा का सारा एरिया में बढ़ चुका है। ऐसा नहीं है कि जो संख्या बताया गया है, क्योंकि एरिया और पंचायत सदस्य का नंबर से पंचायत का डेवलपमेंट नहीं होता है, ये भी ध्यान देना होगा। ग्राम पंचायत का जो डेवलपमेंट करने का सिस्टम रखा गया है संवैधानिक ढंग से, उसमें क्या है स्पष्ट रूप से जनसंख्या ट्राइबल नॉन ट्राइबल का संख्या के हिसाब से पैसा दिया जाता है। मैं 10 से 20 हो गया उस हिसाब से मेंबर के हिसाब से वहाँ फंड नहीं आएगा, वहाँ टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। बातें क्योंकि मेंबर ज़्यादा होने से ज्योग्राफिकल एरिया तो बढ़ेगा नहीं, उतना ही है, लोले जितना था उतना ही है। अभी 7 मेंबर बढ़ गया उसका मतलब ज़्यादा पैसा आएगा, ऐसा तो नहीं है। पैसा जो है अभी का हालत में, जो हालत में जो फाइनेंशियल ताकत है उसी हिसाब से कितना ग्राम पंचायत मिलेगा एज पर द नंबर ऑफ वोटर्स एज पर द नंबर ऑफ जनसंख्या उस हिसाब से दिया जाएगा। सदस्य के हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हुआ। और एक सदस्य की एरिया कितना रहता है कालिम्पोंग में देखा जाए तो जितना मेला ग्राउंड है दो मेला ग्राउंड मिलाने से एक सदस्य बन जाएगा, और उससे अगर छोटा करने से मेरा एरिया ऑपरेशन वाइज कितना एक एक मेंबर का क्या वजन भी रहेगा, क्या वजन भी रहेगा, ये भी तो है कि क्षेत्रफल तो नहीं बढ़ेगा ना सदस्य बढ़ने से। और पैसा का फंडिंग होता है, अमाउंट का फंडिंग जो गवर्नमेंट दिया जाता है वो एज पर द नंबर्स ऑफ वोटर एज पर द नंबर्स ऑफ सिटीजन का हिसाब से दिया जाता है, इसलिए कोई दुविधा नहीं। आपने बोला था कि जिला परिषद होना चाहिए क्योंकि एक सभी सब रीजन से उसका प्रमोशन हो गया, सब डिस्ट्रिक्ट बन गया, तो आज फिर आप बोल रहे हैं कि टेक्निकल बहुत प्रॉब्लम से लीगल एक्सपर्ट्स, तो 22 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बहुत लॉस हो चुका है, उचित फाइनेंस का पैसा नहीं आया, तो एज एन MLA एज ए लॉ मेकर 22 साल में पहाड़ वासी में क्या क्या खोया पंचायत नहीं होने के चलते। ये तो देखिए आज का हमने टोटल हिल में 500 से ज्यादा रिक्त पदे हैं, उसमें 112 22 वर्ष आगे अगर एक डिप्लोमा इंजीनियर को अपॉइंटमेंट कर देने से, अगर घिसिंग चाहता तो हो जाता, अपॉइंटमेंट कर देने से 12 क्या होता इंजीनियर को अपॉइंट किया जाता था उस वक्त। तो मान लीजिए अभी शायद 60,000 के आसपास उन लोगों को सैलरी मिल रहा है,
तो 120 इंटू 60,000 इंटू एक व्यक्ति इंटू 12 महीना कीजिए, तो आज के हालत में 120-112 के ऊपर कितना लॉस हो रहा है, उसी सबसे 500 नॉन टेक्निकल और टेक्निकल मिला करके कालिम दर्जन करसेंग करके मोटा मोटी 500 से ज़्यादा रिक्त पदे हैं जो 22 वर्ष से भाई नहीं। एक वो है 15 फाइनेंस का पैसा आया नहीं, सिंपली ग्राम पंचायत में जो आने वाला है एम जी एनर्जी के पैसे के अलावा हिल में पंचायत में जीरो कुछ भी पैसा आया नहीं। तो कुछ आया नहीं, तो इस हिसाब से जितना जितना भारत वासियाँ जो ग्राम वासियों को जितना फैसिलिटी मिला उस हिसाब से पहाड़ में मिला नहीं, इसलिए जो भी हो जो हम लोग ने खोया था उसको मिल रहा है। ये पहाड़ ग्रामवासियों के लिए बहुत सारा सुविधा मिलेगा इसमें। ये नहीं मतलब ये वर्ष भीतर नहीं होगा, 23 साल होने के बाद ही होगा। तो आप लोग भी बीजेपी का आप लोग अलायंस पार्टनर है, टीएमसी के बीजेपी को आप लोग दोष देते हैं कि बीजेपी सेंटर ने कुछ किया नहीं, तो फिर एग्रीमेंट में मानते हुए फिर स्टेट गवर्नमेंट भी तो अपने एग्रीमेंट से मुकर रहा है। नहीं नहीं हम लोग ने ये देखिए इसमें तो ज़्यादातर जो पहाड़ का बीपी बजगाई जी ने भी रखा कि आप लोग ने 2011-12 में जब जीटे का एकॉर्ड किया उस वक्त आप लोग का एकॉर्ड के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत का प्रोविजन रखा गया था, अभी आप दो ही कर रहे हैं। ये आप लोग जो आप लोग ने एक बनाया उसी के अगेंस्ट में आप लोग जा रहे हैं, लेकिन वो है जब तक आर्टिकल 243M जो 1993 में लागू किया गया मतलब उसको जो रिवाइज किया गया था जब तक वो अमेंडमेंट नहीं होगा तब तक नहीं होगा। हाँ हम लोग ने भी हमें खुद भी जो ये सब्जेक्ट को ये बिल को प्रस्तावना को समर्थन करते हुए मैंने भी ये रिक्वेस्ट रखा क्यों ना एक स्टेट गवर्नमेंट सेंटर को ना भेजें, लेकिन भेजने के बाद इलेक्शन करेंगे बोलने से तो हो सकता है 26 से ज़्यादा निकल जाएगा, तब तो ग्राम पंचायत काम करने वाला कोई कर्मचारी नहीं रहेगा पहाड़ में, इसीलिए इस आज का हालत में जो भी है जो मिल रहा है क्यों ना वो ना ले। ठीक है इसीलिए वो टेक्निकली बात है जो कंस्टिट्यूशन का अमेंडमेंट जो होगा तब होगा, और हम लोग भेजने का बारे में उन लोग को रिक्वेस्ट कर चुका है, बाद में उन लोग भेजने के बाद सेंटर क्या करेगा क्या देखेगा क्या नहीं देखेगा वो सेंटर का सब्जेक्ट बनेगा। जो भी है आज का हालत में ये अमेंडमेंट का जो ज़रूरत है जब तक वो नहीं होगा फ्री स्तर पंचायत जबरदस्त लागू करना संवैधानिक नहीं होगा, इसीलिए जो है संविधान का मुताबिक जो प्रावधान रखा गया है उस हिसाब से थ्रू स्तर पंचायत स्वीकार्य है। देखिए एग्जैक्ट जो है लेकिन 20% से ज़्यादा स्टाफ नहीं है, 80% रिटायर हो चुका है। मैंने टोटल आप मांगिए और आईटीआई भी मांगिए 112 तो टेक्निकली दो पोस्ट, हाँ 112 तो वो है ठीक है, दो पोस्ट पर ग्राम पंचायत नहीं नहीं सिंगल है, सिंगल एक इंजीनियर को एक सिंगल दिया जाता है ठीक है सर, एक एक इंजीनियर हाँ, और वो तो एग्जिस्टिंग बोल रहा है जैसे कि 10 का नीचे में ग्रुप डी दो मिलता है, 10 के नीचे में ग्रुप डी दो मिलता है 10 के ज्यादा मेंबर होने से। अब लोले में उस वक्त जब हम लोग पंचायत में सदस्य थे उस वक्त 2 ग्रुप डी था, अभी 15 हो गया, अब किन वहाँ पे एक क्रिएट हो जाएगा उस हिसाब से बहुत सारा, लेकिन एग्जिस्टिंग में कालिम्पोंग कर्सियंग और दार्जिलिंग और मिरिक करके सिर्फ और सिर्फ 500 से ज्यादा रिटायर हो चुका है और उसको रिक्रूट नहीं किया गया है। अब इससे क्या वो रिक्रूटमेंट का द्वार भी खुलेगा ये सब मेरा मानना है, और हम परस्यू करेंगे गवर्नमेंट को कि हम लोग जरूर ये पंचायत के साथ ये एक नया स्कोप है कि न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हाँ बिल्कुल 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 इसकी इलेक्शन कब जी इलेक्शन कब, ये जो जहाँ तक मेरा मानना है ये अलग करके अलग अलग बंगाल का दूसरा भाग और पहाड़ का दूसरा भाग अलग शायद नहीं करेगा ये बात कि आने वाला दिन में 2023 का मई शायद मई के भीतर लेटेस्ट मई तक पंचायत का चुनाव होने जा रहा है, उसी तरह से शायद उसी के भीतर में पहाड़ में भी लागू होगा। हाँ इसी के भीतर में इसी उस हिसाब से देखा जाए तो देखिए अगर
पर ईयर इच ईयर 150 करोड़ का भी हिसाब जोड़िए ना, 150 करोड़ इंटू 22 वर्ष के नया वो तो पंचायत का, मैं बोल रहा पंचायत पंचायत समिति का अलग भाग है। देखिए पंचायत का जो 15 फाइनेंस का पैसा, ध्यान दीजिए, 15 फाइनेंस पैसा 3 स्तरीय रूप से आता है, एक जिला परिषद को, एक पंचायत समिति को, तीसरा ग्राम पंचायत को। जो जिला परिषद को पैसा आ जाता है वो अब इलेक्शन हो गया है वो उसको उसको मिल जाएगा, हाँ ग्राम पंचायत अब उसको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि जिला परिषद के बदले में जो है जीटी है, ये 15 वाला इलेक्शन हो चुका है, 15 फाइनेंस का पैसा जीटी को मिलेगा, और पंचायत समिति और पंचायत ग्राम पंचायत का अलग पैसा जो रोका हुआ है वो मिलने लगेगा। मेरा नाम है, थैंक यू वेरी मच।